नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ में शुभ्रा सुमन। एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर फिर से एक बार बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा है। बहादुर शाह जफर के वंशज ने दावा किया है, प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने यह दावा किया है, खुद को उन्होंने बाबरी मस्जिद का सही उत्तराधिकारी बताया है। कहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार इस पर नहीं है। आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से मिल रही है, फिर से एक बार बाबरी मस्जिद का मसला उठा है। इस बार एक नया उत्तराधिकारी सामने आ गया है। बहादुर शाह जफर के वंशज हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो हैं उत्तराधिकारी। चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, ये कौन सा नया एंगल है और क्या कुछ कहना है इन साहिबान का? जी, इनका साफ तौर से कहना है कि ये मुगल राज में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, चूंकि ये बाबर ने वजह बनाई थी, और इसका जो हल है वो ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये लगातार पैरवी करने के बावजूद इसका हल नहीं निकाल पा रहा है, तो उन्हें इसका मुतलबी बनाया जाए और वो उसका हल निकालेंगे लोगों से बैठकर। या उनका साफ तौर से ये कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इसका हल नहीं निकाल पा रहा, इसके लिए मुझे मुतलबी बनाया जाए और मैं इसका हल निकालूंगा। जी ठीक है। अब चूंकि बाबरी मस्जिद जो है कोर्ट का मसला है, कोर्ट में ये पूरा मामला कई सालों से चलता आ रहा है, क्या कोई कानूनी कदम उठाने वाले हैं ये जो साहब हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए वो मुतलबी बनाने को अपने आप को कह रहे हैं कि जो सीएस वक्फ बोर्ड है वो उसका हल नहीं निकाल पा रही, लगातार उनकी बातचीत हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो जो याकूब साहब है, इनका कहना है कि जब ये इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये उसका उत्तराधिकार हमें दिया जाए और हम इसका यहाँ पर जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम से मिलकर उसका हल निकालेंगे। कुल मिलाकर ये उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं कि अगर मुगल शासन में ये इमारत बनी थी या मुगल शासन में अगर ये बाबरी मस्जिद बनी थी तो इसके उत्तराधिकारी हम हुए और उत्तराधिकारी होने के नाते हमें मुतलबी बनाया जाए। जी लेकिन चंद्रमणि, ये मसला जो है वो काफी वक्त से चल रहा है, ऐसे में कोर्ट की कई कार्रवाइयां इस पर हो चुकी, कई फैसले आ चुके, ये साहब जो है वो अब तक कहां पर थे, क्यों नहीं सामने आए थे? और हाँ, और जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उनके बारे में कहना है कि कोई अधिकार नहीं है उसका, क्या उधर से भी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? जी, अभी उधर से इस प्रकार की कोई इनके बयानबाजी पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बहरहाल इनका साफ तौर से कहना है कि अभी तक हम लोग इसलिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड या अन्य जो समाज से वो उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर जब इनका कहना है कि अब अभी तक उसका कुछ बाबरी मस्जिद का हल नहीं निकल पाया है, इसके लिए इन्हें आना पड़ा है और ये अब ये जो दोनों के बीच में बैठकर इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन इनके बारे में जरा बताएं हमें, क्योंकि इन्होंने दावा कर दिया है कि बाबरी मस्जिद पर इनका हक है, ये उत्तराधिकारी हैं। बहादुर शाह जफर के वंशज किस तरह से ठहरते हैं ये? जी, बहादुर शाह जफर के वंशज हैं इनके, ये जब बहादुर शाह जफर के या छठी या सातवीं पीढ़ी से आते हैं कि उस समय से बहादुर शाह जफर यहाँ पर मुगल साम्राज्य थे और उनके बाद में लगातार पीढ़ियां बदलती गई और ये जो है ये उनके लगभग लोगों का कहना है कि इनके आखिरी दीपक हैं, मतलब कि जो वंशजों की श्रेणी है उसमें ये सबसे अभी तक जो उनका वंश लास्ट है। तो कुल मिलाकर ये साफ और आइए आपको हम सुनवा देते हैं कि बहादुर शाह जफर के जो वंशज हैं जिन्होंने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद के उत्तराधिकारी हैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, उन्होंने क्या कहा है मीडिया के सामने। लेकिन किसी ना किसी को मुतवली बनाए, लेकिन आज तक सुन्नी वक्फ बोर्ड डायरेक्ट लड़ रहा था, लेकिन हमने कहा कि भाई आपकी पिटीशन हमने चांस दिया, हमने चाहा था कि आप कर लो, लेकिन आपने करा, लेकिन अब सिमिलिटी हमें मुतवली बनाओ और हम धर्मगुरु से बैठ गए, अब हमारे प्रॉपर्टी का फैसला हम खुद करेंगे। मतलब आपका ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है जो वो लड़ रहा है और बोल रहा है, वो
अब सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड में मुतवली की जरूरत पड़ती है और मुतवली का हक बनता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे सुन्नी वक्फ बोर्ड 1962 में आया, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत मुगलों की, उनको दान दिया गया था सुन्नी वक्फ बोर्ड को। और इस वक्त हमारे साथ जफर याब जलानी साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बाबरी मस्जिद एक्शन बोर्ड के ये संयोजक हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं इस पूरे मसले पर। जलानी साहब, ये जो साहिबान सामने आए हैं ये कह रहे हैं कि ये बहादुर शाह जफर के वंशज हैं और इस नाते बाबरी मस्जिद के उत्तराधिकारी हैं, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड जो है उसका कोई अधिकार नहीं है बाबरी मस्जिद पर। देखिए, मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो वंशज है या नहीं है, लेकिन कानून जरूर जानता हूँ कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ के जरिए से सोसाइटी चल रही है, और 1936 में पहला मुस्लिम वक्फ एक्ट बनाया पास हुआ था, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड बनाए गए थे, और उस वक्त सुन्नी गवर्नमेंट ने सर्वे किया था और गजट किया था प्रॉपर्टीज का, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है, तो उस वक्त ये प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर की गई थी, और मस्जिद जो है हमेशा बाय यूजर वक्फ होती है, उसका कोई वक्फनामा हो या ना हो, तो ये वक्फनामा यहाँ पर कोई है नहीं, तो लिहाजा सुन्नी वक्फ बोर्ड को अख्तियार दिया गया था कि वो ऐसे अवकात का मुतवली बनाए, तो गवर्नमेंट ने जो उसका चीफ सेटलमेंट वक्फ कमिश्नर थे उन्होंने इसमें अपनी रिपोर्ट भेजी सुन्नी वक्फ बोर्ड को, गवर्नमेंट की बात है गवर्नमेंट के जरिए से, और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसके लिहाज से उसको रिपोर्ट के मुताबिक इंदराज कर लिया। उसके बाद उसी एक्ट में लिखा हुआ था कोई पार्टी अगर एग्रीव्ड है तो एक साल के अंदर सूट फाइल कर सकती है, उसके खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड ने सूट फाइल किया। जिलानी साहब, आप कह रहे हैं कि इस बात का पता नहीं है आपको कि ये साहब कौन है और खुद को ये बहादुर शाह जफर का वंशज बता रहे हैं, आप पूरी बात सुनना हो तो मुझसे पूछिए, अगर ये साबित कर देते हैं तो क्या उसकी आप सुनिए, मेरा सवाल सुनेंगे क्या आप? मैं आपको कानून बता रहा हूँ, मेरा सवाल सुनेंगे क्या? मैं आपको नहीं, मेरा सवाल सुनेंगे क्या सर? सवाल के बाद ही तो जवाब देंगे ना आप। तो इन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये सवाल सुनने के मूड में नहीं थे, और इन्होंने ये कहा है कि इनको नहीं पता है कि ये कौन साहब हैं और क्यों अपने आप को बहादुर शाह जफर का वंशज बता रहे हैं, लेकिन जब सवाल किया जा रहा था तब इन्होंने फ़ोन काट दिया, सवाल सुनने का की जहमत ये नहीं उठा पाए। जफर याब जलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे फ़ोन लाइन पर, जो कि बाबरी मस्जिद एक्शन बोर्ड के संयोजक हैं। स्वामी चिन्मयानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फ़ोन लाइन पर। स्वामी जी, ये जो साहब हैं इन्होंने ये कहा है कि ये वंशज हैं बहादुर शाह जफर के और बाबरी मस्जिद के उत्तराधिकारी हैं, आपकी प्रतिक्रिया? 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि वहां मस्जिद जैसी कोई चीज थी नहीं, जो मस्जिद थी वो सियाओं के द्वारा बनाई गई थी और मस्जिद तो मंदिर तोड़कर बनाया गया था, वो मस्जिद नाजायज थी इसलिए उसका ध्वस्तीकरण हो गया, अब उस पर किसी का दावा बनता नहीं है, दावा केवल राम जन्मभूमि का बनता है और वो राम जन्मभूमि ही है। नहीं, लेकिन जो प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन है जो खुद को बता रहे हैं उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर का, वो दावा पेश कर तो सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश कर, हाँ, नहीं, उन्होंने याचिका दे दी है सर, उन्होंने याचिका दे दी है चिन्मयानंद जी, याचिका उन्होंने दे दी है और पक्षकार बनाने की बात कही है, लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ता है, अगर कानूनी कार्रवाई इस पर होती है तो क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है उसका कोई अधिकार है ही नहीं बाबरी मस्जिद पर। उनका उनका कहना कुछ अंशों तक सही भी है, क्योंकि सन 1944 के एक फैसले में ये कहा गया था कि वो इस पर सियाओं का हक बनता है, और अभी सिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी दावा दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम ये जरूर चाहेंगे कि कोर्ट पहले ये फैसला ये तय कर ले कि उस पर दावा किसका बनता था, अब इस समय तो दावा केवल राम जन्मभूमि का बनता है, उसके पहले उस मस्जिद पर किसका दावा बनता था ये कोर्ट चाहे तो तय करे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर वाकई ये दावेदार खुद को बता रहे हैं तो इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए और पहले ये तय किया जाना चाहिए कि आखिर सुन्नी वक्फ बोर्ड का या इन साहिबान का जो कि अपने आप को बहादुर शाह जफर का वंशज बता रहे हैं उनका हक बनता है। बहुत शुक्रिया आपका चिन्मयानंद जी हमसे बातचीत करने के लिए।